नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्ञानवापी मॉस केस में अलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो मुस्लिम कमेटी की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया है। यहाँ पर ये एक बहुत ही प्रमुख केस की पिटीशन थी जिसको अलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया है, और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कमेटी को एक बड़ा झटका लगा है फ्रॉम दी अलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या थी पिटीशन, क्या इसमें कहा गया है, क्या इसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज से। तो न्यूज आप यहाँ देख ही सकते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं, आज आखिरी दिन है टू अवेल द बेनिफिट टू एनरोल ऑन दिस इन दिस बैच, जो कि कल 1 जून से शुरू हो जाएगा एट अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस ऑफ 7,999। ये प्राइस आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड NDLIVE10। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम अग्निपथ बैच में जुड़ना है तो आपका कोड क्यों यूज करें? देखिए दोस्तों, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलेगी आपकी तैयारी में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, आज आखिरी दिन है इस कोर्स में एनरोल करने का। इसके अलावा अगर आप PDF के लिंक ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन मिल जाएंगे। इसी तरह से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग द फॉर्म व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ हुआ क्या है, पूरी तरह से मैं आपको बता देती हूँ। एक सेटबैक में फॉर द मॉस कमिटी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस में विच इन्वॉल्व वाराणसी ज्ञानवापी मॉस, अलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है एक प्ली को, जिसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि स्क्रैप कर दिया जाए एक सिविल सूट जो कि जिसकी हियरिंग चल रही है या फिर जो कि सुना जा रहा है लोकल कोर्ट में। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट के पास मुद्दा पहुंचा जिसको खारिज कर दिया गया। ये लॉ सूट जो है फाइल किया गया बाय ग्रुप ऑफ हिंदू विमेन वर्शिपर्स जो चाहती हैं राइट टू प्रे इन ज्ञानवापी मॉस कॉम्प्लेक्स इन वाराणसी, और ये वैलिड ठहराया गया था कोर्ट के द्वारा, अलाउइंग द केस टू कंटिन्यू इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अब हाई कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया कि कंटिन्यू होगा। जो लिटिगेंट्स हैं इस केस में, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास, इन्होंने केस फाइल किया था अगस्त 2021 में, जहां पर दे वर सीकिंग द राइट टू रेगुलरली वर्शिप गॉडेस श्रृंगार गौरी, मतलब रेगुलर वर्शिप कर सके गॉडेस श्रृंगार गौरी को, और बाकी जो डेटीज हैं वहां पर डीटीज हैं जिनकी आइडल्स दे क्लेम्ड वर लोकेटेड इन द मॉस्क कॉम्प्लेक्स। जो मेंटेनेबिलिटी है इस केस की, इसको अपहेल्ड किया गया था बनारस वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के द्वारा इन सितंबर 2022। मेंटेनेबिलिटी मतलब कि ये चलाया जा सकता है केस। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो AIM कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, और जो उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसने पिटिशन डाली थी हाई कोर्ट में कि वो ओवरटर्न कर दे इस सितंबर 2022 की रूलिंग को, ये आर्ग्यू करते हुए कि ये मेंटेनेबल नहीं है अंडर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 एंड द सेंट्रल वक्फ एक्ट ऑफ 1995। अब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, मैं टुवर्ड्स द एंड आपको बताऊंगी। नाउ कमिटी ने यहाँ पर आर्ग्यू ये किया कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है, और चैलेंज किया था मेंटेनेबिलिटी ऑफ द प्ली ऑन ग्राउंड, ये कहते हुए कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट है 1991 का, वो एक्सप्रेसली बार करती है, मतलब एक तरह से मना करती है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इनटू एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस। मतलब अगर ये मस्जिद है तो इसको यहाँ पर पूजा नहीं हो सकती, आप इसको सिंपल भाषा में ये समझिए, एज इट वॉज ऑन 15 अगस्त 1947, जिस स्थिति में वो 1947 15 अगस्त को थी उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, बेसिकली ये कहा जा रहा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो आया वो आया 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट है वो। ठीक है, अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरी जो आर्ग्यूमेंट से इसकी हियरिंग के बाद रिजर्व कर दिया था अपना डिसीजन ऑन दिसंबर 23, 2022, ये डिसीजन अब आया है। ये जो केस है ये उन सभी केसों में से है, जो बहुत सारे केसेस निकल कर आए ना फ्रॉम द रूलिंग इन अप्रैल 2021, जब वाराणसी कोर्ट ने डायरेक्ट किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि वो कंडक्ट करे कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द मॉस्क कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग अ पिटिशन बाय हिंदू ग्रुप्स। आपको याद होगा कि एक वीडियोग्राफी हुई थी जहां पर एक शिवलिंग दिखा था, उस वीडियोग्राफी में तब से पूरा मुद्दा शुरू है जब हिंदू ग्रुप्स की तरफ से आया था कि यहाँ पर शिवलिंग है और मंदिर को तोड़कर इसको बनाया गया, वो पूरा केस आपको याद ही होगा। उसके बाद से बहुत सारे केसेस आए थे जिसमें एक केस ये भी था। ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग लीगल ऑर्डर था वहां पर अलाउ किया गया था, मतलब जो हंड्रेड ऑफ हिंदू वेमेन है कि वो सिंबॉलिकली वर्शिप कर सकती हैं गॉडेस श्रृंगार गौरी को वंस अ ईयर इन द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे रेगुलर वर्शिप की बात इस पिटिशन में डाली गई थी बाय द हिंदू वर्शिपर्स। ठीक है, अगर इस बैकग्राउंड पे जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हिंदू पिटिशनर्स ने परमिशन मांगी थी कि वो डेली प्रेयर्स करना चाहते हैं बिफोर द आइडल्स ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ ज्ञानव्यापी मॉस्क।
ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है जिस पर AIM जो कमिटी है उसने कहा कि ज्ञानव्यापी मॉस्क एक वक्फ प्रॉपर्टी है और उसने क्वेश्चन किया था मेंटेनेबिलिटी ऑफ द थ्री। इस पर मदन मोहन यादव जो कि लॉयर है हिंदू साइड के, उन्होंने कहा कि मॉस्क जो है वो मंदिर को डिमोलिश करने के बाद कंस्ट्रक्ट की गई है, तो उसका कैरेक्टर क्या है, वो मंदिर था जिसको तोड़कर मॉस्क बनाई गई है। यहाँ पर ज्ञानव्यापी मॉस्क के बारे में बताऊं तो ये लोकेटेड है, ज्ञानव्यापी लोकेटेड है काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास ही, बनारस को वाराणसी, आई एम रियली सॉरी मेरे मुंह से बार बार बनारस निकल रहा है, वाराणसी सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया था सर्वे ऑफ द मॉस्क कॉम्प्लेक्स वाइल हियरिंग अ पिटिशन बाय दी 5 हिंदू विमेन जो कि परमिशन चाह रहे थे फॉर डेली प्रेयर्स बिफोर द आइडल्स ऑन इट आउटर वॉल्स। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये क्लेम भी किया गया कि एक शिवलिंग पाया गया था मॉस्क में, मॉस्क कंपाउंड में ड्यूरिंग दिस सर्वे, जब वीडियोग्राफी हुई थी तो एक शिवलिंग पाया गया है। तो उसके बाद से तो बहुत सारा इसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा ये बहुत हाईलाइट भी हुआ है पूरा मुद्दा। चलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी एक्ट जो कि प्रोहिबिट करती है, प्रतिबंधित करती है कन्वर्जन किसी भी जगह का जो वर्शिप की है एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर। मतलब कन्वर्ट नहीं की जा सकती कोई प्लेस ऑफ वर्शिप और साथ में उसका जो कैरेक्टर है रिलीजियस कैरेक्टर है उसको मेंटेन किया जाना चाहिए ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947, जैसी वो एग्जिस्ट करती थी 15 अगस्त 1947 में उसी तरह से उसको मेंटेन किया जाना चाहिए एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर। ठीक है, उसके बाद के जो भी मुद्दे हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ से जो मुस्लिम कमेटी है उसका गया था, जिसके बाद ये पिटिशन को फिलहाल खारिज कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, उसको कहा गया कि इसकी सुनवाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर चलेगी, वो डिसीजन जो है वो वैलिड है। ठीक है, एग्जाम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो इस एक्ट का एक एग्जाम्पशन है विच इज दी अयोध्या साइट, जो डिस्प्यूटेड साइट थी अयोध्या की उसको एग्जेम्प्ट किया गया था फ्रॉम दिस एक्ट, जिसकी वजह से जो ट्रायल था अयोध्या केस में वो प्रोसीड हुआ था इवन आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस लॉ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों अपनी अग्निपथ के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, मेंस की टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। दिस इज अवर टीम पाथफाइंडर जो आपके साथ निरंतर है आपकी तैयारी में। हिंदी मीडियम के बैचेस हमारे शुरू हो जाएंगे 15 जुलाई से, ND Live 10 आपको कोड यूज करना है और आप एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में दोस्तों बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। पर्सपेक्टिव से भी आप जुड़ सकते हैं, हिंदी माध्यम से टॉपर कैसे बने ये सीरीज हमारी प्लेटफॉर्म पर है, वो भी आप देख सकते हैं, अपने डाउट्स कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो आपको स्कैन करना होगा इस QR कोड को। इसके साथ साथ अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो आप प्लीज फिल कर दीजिए वो फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज वी विल गेट बैक टू यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।